Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Zunaira and I'm a makeup lover and a makeup junkie. अच्छा जी, तो जो आज की वीडियो है कुछ डिफरेंट है, बिकॉज मैं फाउंडेशन रिव्यू कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बोल के जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन आता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है. तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वी विल स्टार्ट द वीडियो. लेकिन सबसे पहले मैं आई लुक कम्प्लीट करूंगी, फिर इसके बाद हम फाउंडेशन की तरफ आएंगे, बिकॉज आई लुक करते हुए कुछ ना कुछ गिर जाता है, कोई पार्टिकल्स आई शेयर के, तो वो एक ही दफा गिर जाए, फिर मैं साफ करके अच्छी तरह से नीट फेस पे शुरू करूंगी. और मैं कोशिश कर रही हूँ, आज तो मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन अगले दिन मैं इसको पूरा दिन लगा के इसके साथ साथ एंड पे मैं आपको शॉर्ट्स भी डालूंगी कि ये पूरे दिन में एक दो घंटे कितने घंटे स्टे करता है और कितने घंटे अच्छा रहता है. तो मैंने ये आई लुक कर ली है जी. हम करेंगे स्टार्ट. सबसे पहले कोई जो थोड़े बहुत जर्रात गिर चुके होंगे उनको हम करेंगे क्लीन, जिसके लिए मैं ये टोनर ले रही हूँ. आपने वाइप करना है एंड यू आर गुड टू गो. माथे पे जरूरत नहीं है, पिक्कस माथे पे, तो आई शैडो नहीं गिरा होगा, हाथ साफ होने चाहिए. सो अब हम चलते हैं डायरेक्ट फाउंडेशन. तो जी, पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस. फा ब्यूटी बाय फातिमा अली ऊपर लिखा हुआ, होलोग्राफिक टाइप सा इसका प्रिंट है जिसे एम्बोस हुआ हुआ है, और इसका शेड लिखा हुआ है साइड पे, इसकी वेबसाइट लिखी हुई है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कार्डबोर्ड पे, सिर्फ सॉरी इसके कार्डबोर्ड की यानी कि पैकेजिंग है, तो उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ, और इसको किस तरह से यूज़ करना है और इसके क्या मतलब इस फिनिश कैसी है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है. तो जी, वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इसके 35 ml है इसकी, इसकी क्वांटिटी है 35 ml नॉर्मल और मीडियम सॉरी स्टैंडर्ड जो होते हैं ना फाउंडेशन, उनकी 30 ml होती है, तो इसमें 35 ml है. बॉटल बहुत छोटी लगती है उस लिहाज से, ग्लास है, फिर ग्लास मोटा होता है काफ़ी, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें 35 ml होगा, बट लिखा है तो मान लेते हैं. तो जी, इसका जो है फ्रेग्रेंस फ्री है, क्रूल्टी फ्री है, वीगन है, और लुमिनस मैट फिनिश है, और जी नेचुरल ग्लो देता है आपको, इंस्टेंट कवरेज देता है, सीमलेस कवरेज देता है, और ब्लर कर देता है आपकी इम्परफेक्शंस को, रेडिएंट सी फिनिश देता है, केकी बिल्कुल नहीं होता. तो जी, इसके जो क्लेम्स हैं ना वो तो बड़े मज़े के और बड़े अच्छे लिखे हुए हैं, जिसको देखते ही रेडिएंट एंड मैट, मतलब मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि रेडिएंट भी लगेगी और मैट भी, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो दैट इज़ वाई आई बॉट दिस फाउंडेशन. 1250 rupees का मैंने लिया था. टोटल इसमें 6 shades हैं. मैंने कैश्यू ऑर्डर कर दिया था गलती से, जो कि सबसे लाइटेस्ट है, जो कि बिल्कुल मेरे साथ नहीं जाता, बट यूज़ करके देखते हैं कि कैसा लगेगा. ये 1250 के लिहाज से पैकेजिंग बहुत आला है, शेड रेंज थोड़ी कम है, बट इट्स ऑल राइट. बाकी हम इसके क्लेम्स यूज़ करके देखते हैं कि सिर्फ क्लेम्स ही हैं या ये इतना अच्छा काम करता है जितना अच्छा इन्होंने बताया. सो लेट्स सी. आई गेस जो कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड इन्वेस्ट करता फाउंडेशन बनाने लगता है, तो उसको शेड्स का ख्याल रखना चाहिए. के बाद हम लेंगे फर्स्ट टाइम ऐसे ऊपर, सो वी विल टेक इट लाइक दिस. थिक है काफी, काफी थिक है, लाइट, वेरी लाइट. आई कैन नॉट यूज इट लाइक दिस. आई विल बी एडिंग एसेंस का मेकअप ड्रॉप्स. ये है डार्कनिंग ड्रॉप्स, ये मैंने बेसिकली लिए क्लाइंट्स के लिए, और क्योंकि क्लाइंट्स के साथ शेड एडजस्ट करना होता है, तो इसलिए इसका मैं बहुत मुश्किल से एक ड्रॉप, यू नो नॉट अ पम्प, जस्ट अ ड्रॉप. मैंने फेस प्रिपेयर नहीं किया. सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर के तौर पे सेंट आइस का ये मॉइस्चराइजर यूज करूंगी. अच्छा जी, मैंने अपनी स्किन को कर लिया है प्रेप. अभी मैं कलर करेक्शन करूंगी. आई विल नॉट यूज अ प्राइमर, बिकॉज जो प्राइमर है ना उससे थोड़ा सा फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी चेंज हो सकती है. कंसिस्टेंसी से मतलब कि फाउंडेशन कितनी देर लगता है और फाउंडेशन पोर्स पे कैसा इफेक्ट डालता है, फाइन लाइंस पे, तो जो प्राइमर है ना वो थोड़ा सा इस चीज को चेंज कर सकता है. सो आई विल नॉट यूज अ प्राइमर. सो कलर करेक्शन इज डन. अभी हम लेंगे पंप. ठीक है, वन पंप विल बी इनफ. पहले हम यूज करेंगे, इसकी कवरेज देखेंगे और यू नो सब कुछ. खैर, बिल्कुल फ्लैट और साफ सुथरा न्यू ब्रश ले रही हूँ. ठीक है, फ्लैट ब्रश, उससे फाउंडेशन अच्छा लगता है मुझे. मैंने दोबारा से लिया है बिकॉज मुझे था, क्योंकि जब आप नया फाउंडेशन ट्राई करो ना, तो उसे क्या होता है कि वो भी आपने देखा कि अब कुछ देर मेरे हाथ पे पड़ा रहता है, तो मे बी वो ऑलरेडी जब उसको ऑक्सीजन, यू नो एयर में जो भी ऑक्सीजन है या उसको लगना था, तो उसके साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाए या उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए, तो
और मैं इसको फॉरन अप्लाई करूंगी। कुछ देर जब आपके हाथ पे पड़ा है तो उसकी वॉर्म से ऑलरेडी उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो सकती है। सो दैट इज वाई मैंने दोबारा से लिया है और कुछ हद तक मेरा शेड बन गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डॉट इट लाइक दिस। इसका नाम है नेचुरल ग्लो। सो इट इज नेचुरल ग्लो कि कवरेज फुल कवरेज नहीं है। एज यू कैन सी माय स्कार्स इधर उस तरह से नहीं विजिबल, बट मेरे स्कार्स नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, बट इसमें मीडियम कवरेज कहूंगी मैं। बड़ा ब्यूटीफुली इसने मेरी स्किन को कवर किया है, पिगमेंट सॉरी जो स्कार्स हैं उनको ब्यूटीफुली, मतलब इन अ सेंस के वो केकअप नहीं हुए, कहीं भी ड्राई पैचेस से ये अटैच नहीं हुआ, मैंने कोई प्राइमर नहीं लगाया। स्किन काफी स्मूथ लग रही है और ग्लोई लग रही है, बिल्कुल भी मैट वाला इसमें कोई आंसर नहीं है दूर दूर तक। कवरेज आई गेस इसकी फुल हो सकती है बिकॉज मैंने बहुत थोड़ा पंप पूरा भी नहीं लिया था, मैं थोड़ा आधा पंप और लूंगी और इसको देखती हूँ कवरेज कैसी जाती है। शेड इज नॉट अ गुड मैच एट ऑल। मैं अपना शेड मैंशन कर दूंगी जो मैं ऑर्डर किया था और जो करना चाहती थी और गलती से मेरे से ये हो गया था। जो है ब्लेंड आउट हो गया है। ओह माय गॉड, चिट्टा भूत लग रही हूं, बट कवरेज इज मीडियम, लाइट टू मीडियम मेरी स्किन पे। इट लुक्स ब्यूटीफुल फॉर नाउ, बहुत प्यारा लग रहा है। वाओ, मेरे पोर्स बिल्कुल विजिबल नहीं है, वरना यहां और यहां मेरे काफी पोर्स हैं। यहां पे मेरे थोड़े खट्टे खट्टे हैं स्कार्स, वो भी स्मूथ लग रहे हैं काफी, और यहां पे वैसे ही मैंने कलर करेक्ट कर ली तो कोई एशिनेस नहीं है। अंडर आईज में मैंने लगाया नहीं बिकॉज मैंने कंसीलर लगाना है। ये स्कार ज्यादा विजिबल था तो ये स्कार थोड़ा सा नजर आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे भी एक दो स्कार थे वो छुप गए हैं। और बहुत खूबसूरत नेचुरल ग्लो है। यहाँ पे मेरी एक लाइन है जो कि मेरा हर फाउंडेशन उसमें जरूर बैठता है। अब मैं देखूंगी कि ये बैठता है। अभी तक बिल्कुल केकी नहीं है, डबल लेयर तो नहीं कहेंगे लेकिन डेढ़ लेयर लग चुकी है, बिल्कुल केकी नहीं है। अब फिलहाल तक शेड के अलावा कोई गलत चीज नहीं है। लुक्स सुपर स्मूथ, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज आई वुड से, नॉट केक, बट ऑब्वियसली विल हैव टू सी जब हम पूरा मेकअप फिनिश कर लेंगे। कंसीलर के लिए आई विल बी यूजिंग दिस, कोई चाइनीज ब्रैक है ब्रैक, इट्स अ चाइनीज ब्रांड, यूनिक टच उसका कंसीलर है। मैंने ग्राह से लिया, थोड़ा सस्ता सा मिल रहा था, बड़ा मजे का लग रहा था, आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। किसी भी पाउडर से सेट करूंगी अंडर आईज को। ये जो है ना ग्लैमरस फेस का पाउडर लूंगी 03 शेड। ये हल्का सा मेरी स्किन टोन से डार्क है, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज क्या होगा यू नो कि ये फाउंडेशन को थोड़ा सा बिठा देगा। ऑलरेडी फाउंडेशन बैठ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैमरे में लग रहा है हल्का सा, देख रहे हैं थोड़ा टोन डाउन है, टोन अप है। आई विल फिनिश द फेस, मतलब कि ब्रॉन्जर सॉरी जो भी है ब्लश वगैरह लगाऊंगी, एंड देन आई विल बी बैक। द होल लुक इज डन, आप देख सकते हैं। अभी तक फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस लग रहा है, ऑनेस्टली बहुत, मतलब थोड़ा
थोड़ा सा शायद पाउडर से सेट करने की वजह से थोड़ा सा ड्राइंग है, बिकॉज यू नो अभी यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, सो मुझे पसीना या ऑयल के कोई चांसेस नहीं है फिलहाल. नो ऑयल, ट्रांसफर प्रूफ, यस. अब आप मेरे हाथ के साथ देख रहे हैं कितनी हद तक मैच कर रहा है. ये फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है और ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर फाउंडेशन यू नो डार्कनिंग ड्रॉप्स मिक्स किए हैं, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी टोन डाउन हो गया था, बट फिर भी जब लगा था तो इसकी टोन बड़ी अजीब सी थी, यू नो पिंकिश ग्रेश लग रही थी मेरी फेस पे, बट अब ये बहुत कमाल का लग रहा है. यू कैन सी कि अब मेरी गर्दन के साथ मेरे हाथ के साथ इतना डिफरेंस नहीं है इसका. कल का पूरा दिन लगाऊंगी और इसको यूज करूंगी, इसके क्लिप्स एंड पे जरूर डालूंगी, सो आप देख करें. बाकी ये पूरी लुक आपने आई लुक में अपलोड कर दूंगी जल्दी. ये लिप स्वॉचेज आपने देखे तो मेरे इंस्टाग्राम जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मेरे इंस्टाग्राम पे है पाकिस्तानी ब्रांड की लिपस्टिक है, इसके स्वॉचेज देखने हैं तो आप देख सकते हैं. सो ओके, सो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जो कि हमारे घर में बर्थडे पार्टी थी, तो मैंने इस शाम को 4 बजे इसको लगाया था अपने फेस पे. ये लगाने के कोई 1 घंटे 1.5 घंटे बाद का क्लिप है जो कि बहुत फ्रेश, बहुत ग्लोई, बहुत स्मूथ लग रहा था मेरे फेस पे. कोई पोर्स विजिबल नहीं थे, कोई केकी नहीं था, ऑयल अभी तक तो कंट्रोल था क्योंकि पाउडर ऑब्वियसली मैंने लगाया था. बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाया था मैंने, बिल्कुल वैसा ही मेकअप किया था जैसा कि मैंने एक दिन पहले मेकअप किया था, जिस ये वीडियो में आप देख रहे हैं. बहुत फ्लॉलेस, बहुत ग्लोई, बहुत प्यारा, स्मूथ एंड ट्रांसफ़र प्रूफ था. लेकिन उसके बाद जब ऑलमोस्ट 6 घंटे गुजरे होंगे, हाँ जी, ये रात के टाइम जब मैं बहुत थक चुकी थी, इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अपने चेहरे पे, तो आप देख सकते हैं थोड़ा चिन से उतर चुका है, जॉ लाइन से थोड़ा सा उतर चुका है क्योंकि हाथ वगैरह लगा, खाना वगैरह खाया तो. लेकिन ये है कि ओवरऑल काफ़ी स्मूथ रहा, लेकिन ऑयल कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं करता ये. ओवरऑल इट्स अ रियली गुड फाउंडेशन, 1250 रुपीज़ में आपको पाकिस्तानी ब्रांड में इससे अच्छा फाउंडेशन नहीं मिलेगा, सो इट्स अ मस्ट ट्राई. तो जी क्लिप्स आपने देख लिए होंगे यकीनन, तो यही मैं वीडियो एंड करती हूँ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.